चुनाव के समय हर राजनीतिक दल उन मुद्दों को उठाता है जिससे उन्हें लगता है कि उस मुद्दे को उठाने से उनके हाथ एक बड़ा वोट बैंक लग जाएगा। आदिवासियों के लिए आगामी जनगणना में सरना नाम से एक अलग धर्म कोड जोड़ने का मुद्दा एक ऐसा ही मुद्दा है। भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है। आदिवासियों को लगता है कि केंद्र और राज्य की सरकारें सामंजस्य बिठाकर उनके लिए अलग सरना धर्म कोड लागू करेगी, लेकिन जब अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई तो अब ये लोग सरकार पर सड़क जाम जैसे कार्यक्रम से सरकार पर दबाव बनाकर सरना धर्म कोड लागू करवाने में जुट गए हैं। हर राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, चाहे कांग्रेस रहे, हर कोई जनभावनाओं को उभारता और उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आदिवासी की जनभावनाओं को उभारा था और सरना कोड की बात की थी। अब वह सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, लिहाजा जिस रूप में वह चुनाव प्रचार के दौरान ये उस प्रकार की बातें किया करती थी वो सत्ता में रहते हुए संभव नहीं है। हाँ, उसने एक यहाँ से अपने बिल पास करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया है, लेकिन उसमें थोड़ी चालाकी बरती है जैसा कि अब आदिवासी नेताओं को लग रहा है। तो यह तो चुनाव के समय इन्हें सोचना चाहिए कि चुनाव में जो बातें कही जाती हैं वो वोट लेने के लिए कही जाती हैं, करने के लिए नहीं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।